बच्चों, आज हम आपको भारत में श्रम शक्ति और उसका व्यवसायिक वितरण किस प्रकार से है इसके बारे में जानकारी देंगे। प्रत्येक देश का आर्थिक विकास वहाँ की जनसंख्या और श्रम शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी तो स्वभावतः रूप से उस देश में श्रम शक्ति का बाहुल्य होगा और अधिक मात्रा में होगी। ये हम भली भांति परिचित हैं और हम जानते हैं अच्छी तरह कि जनसंख्या का आधिक्य होने के कारण भारत देश में श्रम शक्ति का आधिक्य भी अधिक है, या यह कहे कि श्रम अधिक्य है। अब यहाँ पर हम ये जानकारी लेंगे कि यहाँ पर व्यवसाय का वितरण किस प्रकार से है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो पेशे हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, किस 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 प्रकार के पेशे में वो अपने आप को समायोजित हैं, या ये कह सकते हैं श्रम शक्ति वास्तविक श्रमिकों का अंतर बेरोजगारी की मात्रा को सूचित करता है। श्रम शक्ति लेबर फोर्स व वास्तविक श्रमिकों वर्कर्स और वर्क फोर्स का अंतर बेरोजगारी की मात्रा को सूचित करता है। कहने का अर्थ ये है कि वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से अधिक किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य में भाग लेना ये मुख्य श्रम शक्ति की मात्रा को मापने का एक साधन है। जो क्या ये कहें कि 6 महीने से कम और 183 दिन से कम अवधि के लिए काम किया जाता है, उत्पादन कार्य में भाग लिया जाता है आर्थिक दृष्टि से, वो श्रम शक्ति का एक मेजरमेंट है जनसंख्या के हिसाब से। अब यहाँ पर रोजगार की स्थिति किस प्रकार से है, रोजगार की स्थिति को नापने के लिए हम स्वयं के रोजगार में संलग्न व्यक्ति, कैजुअल लेबर और नियमित श्रमिक किस प्रकार से हैं। कुल श्रम शक्ति सन 2011-12 में देश के अंदर 47.29 करोड़ थी, जो 17-18 में भी लगभग 47.12 करोड़ ही रही। अब पीरियोडिक लेबर के आधार पर विधि का अंतर रहा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का व्यावसायिक रूप से किस प्रकार से जो वितरण है, यानी कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में किस प्रकार से जनसंख्या किस प्रकार से व्यावसायिक रूप में अपने आप को लगी हुई है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि व्यवसाय को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसमें कृषि, पशुपालन, वन मछली पालन, शिकार करना, बागानी की क्रियाएं शामिल होती हैं। द्वितीय क्षेत्र में इसमें विनिर्माण संबंधी, विद्युत गैस जलापूर्ति, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र जो होता है व्यापार व्यवसाय, परिवहन, संग्रह, संचार, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, अन्य प्रकार की सेवाएं इसमें आती हैं। तो इस प्रकार से भारत में लगभग 2011 में कुल श्रमिकों में खेतीहर श्रमिकों का अनुपात 30% और कृषकों का अनुपात 24.6% था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं श्रमिकों में से 54.6% कृषि कार्यों में संलग्न थे। ये वर्ष 2011 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार हम ये जो है आकलन करते हैं। अब हम देखेंगे कि श्रमिकों के असंतुलित व्यवसाय वितरण होता है, तो श्रमिकों में असंतुलित व्यवसाय वितरण होता है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, या क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधुनिक ढंग के लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। व्यवसायिक वितरण को संतुलित करने के लिए
आधुनिक ढंग के लघु और छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने की यंत्रीकृत कृषि का उपयोग विकसित देशों में कृषि में श्रम शक्ति का नीचे अंश पाया गया है, जबकि भारत में ये अधिक पाया जाता है। कृषि में अधिक रोजगार देने की व्यवस्था, अब हमें देखना पड़ेगा कि भारत अभी भी जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। कृषि में अधिक रोजगार देने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए और तृतीय और क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में टेरिटरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इन दोनों में सेवाओं का और तेजी से विकास किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर से चूँकि श्रम शक्ति का बाहुल्य को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना जरूरी है। जनसंख्या का नियंत्रण अति आवश्यक है। जनसंख्या एक अधिक होने के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देना और उन्हें श्रम शक्ति में लगाना या उसको खपाना या उसमें व्यवसायों में वृद्धि करना किसी भी प्रकार की सरकार के पास एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसे अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र का वितरण इस प्रकार से होता है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि व्यवसायिक क्षेत्र का वितरण करने के लिए व्यवसायों में लगातार वृद्धि होती रहे और उन क्षेत्रों का निर्माण होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग इनमें वृद्धि होनी चाहिए ताकि श्रम शक्ति को वहीं के वहीं खपाया जा सके। दैट्स ऑल।